नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था शाकनाशी या खरपतवार नाशी। खरपतवार, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, खरपतवार पूरे हो गए थे, खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार का वर्गीकरण। अब आगे है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवारों का नाश करना क्या कहलाता है? खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण से पहले हम दो बात देखेंगे भाई। पहली बात देखो, निरोधात्मक उपाय, निरोधात्मक उपाय, और दूसरी होती है उन्मूलन, उन्मूलन। खरपतवार नियंत्रण से पहले इन दो को समझना जरूरी है। देखो, एक तो होता है निरोधात्मक उपाय और एक होता है उन्मूलन। यहां पर देखो आप, निरोधात्मक उपाय क्या होता है? खरपतवारों को, किनको? खरपतवारों को नए क्षेत्रों में जाने से रोकना, नए क्षेत्रों में जाने से रोकना क्या कहलाता है? निरोधात्मक उपाय। दोबारा देखो, खरपतवार नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण से पहले इन दो बिंदुओं को आपको याद करना है। निरोधात्मक उपाय, निरोधात्मक उपाय वे उपाय जो खरपतवारों को नए क्षेत्रों में जाने से रोकता है, क्या कहलाता है? निरोधात्मक उपाय। और एक होता है उन्मूलन, उन्मूलन क्या होता है? खरपतवारों को, खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट करना, पूर्णतया नष्ट करना क्या कहलाता है? उन्मूलन। दोनों क्लियर है, अलग अलग चीज है। एक तो होता है निरोधात्मक उपाय, खरपतवारों को नए क्षेत्रों में जाने से रोकना, और एक होता है उन्मूलन, खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट करना। एक इसमें चीज और है, देखना, स्टाल सीड बेड, स्टाल सीड बेड। ये देखो क्या होता है स्टाल सीड बेड, स्टाल सीड बेड का मतलब होता है खेत में, खेत में खरपतवारों के अंकुरण से पूर्व पानी देना, क्या कहलाता है? स्टार सीड बेड, खेत में, खेत में खरपतवारों के अंकुरण के लिए, अंकुरण के लिए नमी बनाना, नमी बनाना। अगर साधारण भाषा में देख लो, स्टार सीड बेड या पड़ाव करते हैं ना हम, पड़ाव वही है स्टार सीड बेड, खेत में खरपतवारों के अंकुरण के लिए नमी बनाना। अरे बीज वो ऐसे पहले जो पड़ाव करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टार सीड बेड। तीन बात है, तीनों अलग अलग है। निरोधात्मक उपाय, खरपतवारों को नए क्षेत्रों में जाने से रोकना, उन्मूलन, खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट करना, और स्टार सीड बेड खेत में खरपतवारों के अंकुरण के लिए नमी बनाना। फिर क्या होता है? नमी बनाने से खरपतवारों का अंकुरण हो जाता है और भूपरिश्रम की क्रियाओं द्वारा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। स्टार सीड बेड यही है। अब देखो, खरपतवार नियंत्रण तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला है रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। दूसरा है आपका जैविक नियंत्रण, और तीसरा है आपका यांत्रिक नियंत्रण। एक एक को देखेंगे, सबसे पहले रासायनिक, फिर जैविक, और फिर यांत्रिक नियंत्रण। या रासायनिक यानी कि जिन रसायनों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी या हर्बिसाइड। जैविक नियंत्रण, जिसमें जीव का अंश हो, जिसमें जीव का अंश हो उनसे, जीवों से उसको नष्ट करना, और यांत्रिक भूपरिष्करण की क्रियाओं द्वारा नष्ट करना। तीनों अलग अलग है। सबसे पहले देखेंगे रासायनिक नियंत्रण। देखो, रसायन, रसायन यानी कि जो रसायन खरपतवारों को नष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार नाशी, या उन्हीं को क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड। अब देखो, रासायनिक, रासायनिक नियंत्रण, एडिंग लगा लो सबसे पहले। एक नंबर आपका
रासायनिक नियंत्रण। बता दिया अभी, रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं, खरपतवार नाशी या हर्बिसाइड। देखो रासायनिक नियंत्रण पढ़ने से पहले इन खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण जरूरी है भाई, खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। तो एडिंग लगाओ खरपतवार नाशियों का या हर्बिसाइड, खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण, खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। अब देखो खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण सबसे पहले, सबसे पहला वर्गीकरण है किसके आधार पर, वर्ण के आधार पर। किसके आधार पर, वर्ण के आधार पर। देखो खरपतवार नाशियों को वर्ण के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों। वर्ण या चयन एक ही बात है, वर्ण या चयन। अब देखो वर्ण के आधार पर वर्गीकरण दो भागों में, इसमें सबसे पहला होता है वर्णात्मक, वर्णात्मक शाकनाशी, वर्णात्मक या सिलेक्टिव शाकनाशी। यानी कि किसी विशेष पौधे को ही नष्ट करते हैं ये शाकनाशी, किसी विशेष पौधे को ही नष्ट करते हैं, जिस पौधे पर टारगेट रहता है उन्हीं को नष्ट करते हैं। वर्णात्मक शाकनाशी वे शाकनाशी जो किसी विशेष शाक को ही नष्ट करते हैं, जैसे 2,4-D हो गया। कौन सा हो गया, 2,4-D। अब 2,4-D शाकनाशी है, 2,4-D शाकनाशी है जो केवल किसको नष्ट करता है, बथुआ को या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को। गेहूं की फसल में देते हैं कौन सा शाकनाशी, 2,4-D। अब ये गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं करता, गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं करता, किसको नष्ट करता है, केवल खरपतवार को। यहाँ एक बात ध्यान और रखना, 2,4-D का मृदा में प्रभाव रहता है 2 से 3 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह। 2,4-D का मृदा में प्रभाव कितने दिन रहता है, 2 से 3 सप्ताह। वर्णात्मक शाकनाशी 2,4-D। एक आता है आपका बेसालीन, कौन सा है, बेसालीन। एक आता है आपका एट्राजीन, एक आता है आपका सीमाजीन, कौन सा, सीमाजीन आदि। यानी कि ऐसे शाकनाशी जो किसी जाति विशेष के पौधे को ही नष्ट करते हैं वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं, जैसे 2,4-D, बेसालीन, एट्राजीन, सीमाजीन आदि। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2,4-D का मर्दा में प्रभाव केवल कितना रहता है, 2 से 3 सप्ताह तक। और कौन सी फसल में देते हैं, गेहूं की फसल में प्रयोग में लेते हैं। ये हो गया वर्ण के आधार पर किसका वर्गीकरण, खरपतवार नाशियों का। मैंने बता दिया ऐसे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं, खरपतवार नाशी, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड। और हर्बिसाइड का वर्गीकरण सबसे पहले वर्ण के आधार पर, और सबसे पहला वर्ण के आधार पर वर्णात्मक या सिलेक्टिव शाकनाशी जो किसी जाति विशेष के पौधे को ही नष्ट करते हैं। इनके एग्जांपल 2,4-D, आपको पता है 2,4-D गेहूं की फसल में काम में लेते हैं, गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर देता है, इसलिए कौन सा हो गया, ये वर्णात्मक शाकनाशी। बेसालीन हो गया, एट्राजीन हो गया, सीमाजीन हो गया आदि। अब देखो यहां पर दूसरा इसी का भाग है अवर्णात्मक, अवर्णात्मक शाकनाशी। देखो यहां पर अवर्णात्मक शाकनाशी या नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी, ये शाकनाशी कौन से होते हैं पता है, ये ऐसे शाकनाशी जो हर प्रकार की वनस्पति को ही नष्ट कर देते हैं, इनकी कोई पहचान नहीं होती। जैसे ये तो कर लिया कि गेहूं में 2,4-D चौड़ी पत्ती वालों को नष्ट करता है, लेकिन ये खरपतवार नाशी ऐसे खरपतवार नाशी है जो हर प्रकार की वनस्पति को ही नष्ट कर देते हैं। देखो यहां से एक बार क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था कि सड़कों के किनारे जो खरपतवार बाहुल्य क्षेत्र है, जो खरपतवार बाहुल्य क्षेत्र है उनमें कौन से शाकनाशी काम में लेते हैं, तो कौन से लेते हैं, अवर्णात्मक या नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी। ध्यान रखना खरपतवार बाहुल्य क्षेत्रों में कौन से शाकनाशी काम में लेते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी। यानी कि इनकी कोई जाति नहीं है, हर प्रकार की वनस्पति को नष्ट करते हैं। और आपके ये चार ही है, देखो सबसे पहला पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइकोफोसेट और एक है वीड ऑयल, वीड ऑयल। ये देखो
चार शाकनाशी अवर्णात्मक, बाकी जो बच गए वो वर्णात्मक या सिलेक्टिव, और जो चार है वो नॉन सिलेक्टिव। अब यहाँ पर आपको पता रखना है नॉन सिलेक्टिव बाहुल्य क्षेत्रों में जिन जितने भी खरपतवार बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें कौन से शाकनाशी काम में लेते हैं, नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी। यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो आपका मैंने बताया था पहले अमरवे खरपतवार है किसका, रिजगे का, किसका है रिजगे का, बताया था कस्कुटा रिफ्लेक्सा परजीवी खरपतवार है रिजगे का, याद आ गया होगा शायद। अब देखो इसमें अमरबेल रिजगे का खरपतवार है, तो रिजगे की फसल में कौन सा अवर्णात्मक या नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी काम में लेते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। अवर्णात्मक शाकनाशी काम में लेते हैं पैराक्वाट, और कोई सा भी अवर्णात्मक शाकनाशी फसलों में काम में नहीं लेते, एकमात्र शाकनाशी है पैराक्वाट जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, रिजगे में, किसके नियंत्रण के लिए, अमरबेल के नियंत्रण के लिए, कौन सा शाकनाशी पैराक्वाट। अब आप कहोगे कि सर ये तो हर वनस्पति को नष्ट करता है तो रिजगे की फसल भी नष्ट होगी, सही है भाई रिजगे की फसल भी नष्ट होगी, लेकिन इसमें क्या है रिजगे की फसल क्या है बहुवर्षीय, पता आपको कौन सी है बहुवर्षीय, इसमें दोबारा सिंचाई करने पर रिजगे की फसल में पैराक्वाट का प्रयोग करने के बाद, और एक बात ध्यान रखना पैराक्वाट का प्रयोग केवल 0.2% करते हैं किसमें, रिजगे में, किसके नियंत्रण के लिए, अमरबेल के नियंत्रण के लिए। अब पैराक्वाट शाकनाशी देंगे तो ये तो नॉन सिलेक्टिव है, सबको नष्ट करेगा तो रिजगे की फसल भी नष्ट होगी, लेकिन रिजगे की फसल बहुवर्षीय होने के कारण, रिजगे की फसल बहुवर्षीय होने के कारण दोबारा हरी भरी हो जाती है भाई, और अमरबेल क्या हो जाती है नष्ट, क्या हो जाती है नेक्स्ट, समझ गए। केवल एक ही नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी है वो है आपका पैराक्वाट, जिसकी मात्रा 0.2 काम में लेते हैं रिजगे की फसल में अमरबेल के नियंत्रण के लिए, समझ गए। और सभी का प्रयोग आप इसका भी खरपतवार बाहुल्य क्षेत्रों में चारों का प्रयोग जहां पर खरपतवार अधिक होते हैं, जहां पर खरपतवार अधिक होते हैं वहां पर इन शाकनाशियों का प्रयोग करते हैं। और एक ही ग्लाइकोफोसेट जिसका व्यापारिक नाम है राउंड अप, आपको बाजार में किस नाम से मिलेगा राउंड अप के नाम से, जो ग्लाइकोफोसेट होता है ये या राउंड अप ये कारगर होता है किसमें, दूब घास को अगर नष्ट करना है तो कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं ग्लाइकोफोसेट। अब ये ग्लाइकोफोसेट दूब घास को नष्ट करता है 15 दिन पर, हर 15 दिन पर इसका छिड़काव दोबारा करना पड़ता है। दोबारा देखो खरपतवार नाशों का वर्गीकरण, सबसे पहला वर्गीकरण है वर्ण के आधार पर वर्गीकरण, वर्ण के आधार पर वर्गीकरण में खरपतवार नाशों को दो भागों में बांटा है, एक तो वे वर्णात्मक और एक हो गए अवर्णात्मक। वर्णात्मक शाकनाशी जो किसी जाति विशेष के पौधे को ही नष्ट करते हैं जैसे 2,4-dibbasaline, atrazine, cimazine आदि, और एक होते हैं अवर्णात्मक शाकनाशी जो हर प्रकार की वनस्पति को नष्ट करते हैं, ये चार है आपके पैराक्वाट डाइक्वाट ग्लाइकोफोसेट और वीड ऑयल। पैराक्वाट एकमात्र शाकनाशी जिसका प्रयोग किसमें करते हैं फसलों में, कौन सी फसल में रिजगे में, कितना 0.2%, किसके नियंत्रण के लिए अमरबेल के नियंत्रण के लिए, और डाइक्वाट ग्लाइकोफोसेट का प्रयोग करते हैं दूब घास के लिए, और एक हो गया आपका वीड ऑयल। ये था वर्ण के आधार पर वर्गीकरण किसका खरपतवार नाशियों का, यह हो गया किसके आधार पर वर्ण के आधार पर वर्गीकरण किसका खरपतवार नाशियों का। अब देखो दूसरा वर्गीकरण इसका, इसका दूसरा वर्गीकरण है किसका संपर्क व स्थानांतरण के आधार पर, स्थानांतरित या संपर्क, स्थानांतरित व संपर्क शाकनाशी। ये देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्थानांतरित या संपर्क शाकनाशी, एक तो होते हैं स्थानांतरित और एक होते हैं संपर्क। देखो इनको ऐसे दो भागों में कर लो, स्थानांतरित शाकनाशी वे शाकनाशी जो पौधे पर किसी भी भाग पर अगर इनका छिड़काव हो जाता है तो पूरे पौधे पर फैलकर उसे नष्ट कर देते हैं, और संपर्क शाकनाशी जो भाग संपर्क में आता है इनके पौधे का, जो भाग संपर्क में आता है वही भाग इनका नष्ट होता है। अब देखो यहां पर स्थानांतरित शाकनाशी संपर्क और स्थानांतरित दो अलग अलग है, दूसरा वर्गीकरण है देखो इसमें, स्थानांतरित शाकनाशी एक तो आएगा आपका 2,4-D, कौन सा हो गया 2,4-D, एक आएगा आपका ग्लाइकोफोसेट,
देखो यहां पर ये कौन सा शाकनाशी है भाई, नॉन सिलेक्टिव। कौन सा शाकनाशी है? नॉन सिलेक्टिव। मैंने पीछे बताया था आपको कौन सा शाकनाशी है, नॉन सिलेक्टिव। व्यापारिक नाम है राउंडअप। कौन सा है? राउंडअप, जो धूप घास को नष्ट करता है। स्थानांतरित एकमात्र ऐसा शाकनाशी जो क्या है भाई, नॉन सेलेक्टिव होने के बाद भी कौन सा है, स्थानांतरित। बाकी जो बच गए नॉन सेलेक्टिव वो किसमें आएंगे, संपर्क में। किसमें आएंगे? संपर्क में। जैसे कौन सा बच गया, पैराक्वाट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, डाइक्वाट और वीड ऑयल, ये। और तो सभी किसमें आएंगे, स्थानांतरित में। किसमें आएंगे, स्थानांतरित में। ट्रूफोडी हो गया, ग्लाइकोपोसेट हो गया, एट्राजीन हो गया आपका, सीमाजीन हो गया आदि, एट्राजीन, सीमाजीन आदि, 240 ग्लाइकोपोसेट, एट्राजीन, सीमाजीन आदि। इसमें आएगा आपका पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीडोल और एक और आता है धान का खरपतवार, कौन सा, प्रोपेलिन। कौन सा आएगा? प्रोपेलिन। ये हो गया किसके आधार पर, स्थानांतरण और संपर्क के आधार पर वर्गीकरण। समझ गए क्या? अरे समझ गए। इसमें आता है पेंटामेथालीन। कौन सा आता है? पेंटामेथालीन। ठीक है, ये हो गया संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी। रासायनिक नियंत्रण में खरपतवार नाशी का वर्गीकरण दो प्रकार के वर्गीकरण हो गए, स्थानांतरित और संपर्क। एक हो गया सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। यहाँ आपको यही ध्यान रखना है, ग्लाइकोपोसेट, राउंडअप जो नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी है लेकिन कौन सा है, स्थानांतरित। कौन सा है? स्थानांतरित। और प्रोपेनिल कौन सा है? प्रोपेनिल। ये सिलेक्टिव है लेकिन कौन सा है, संपर्क शाकनाशी। अब देखो अगला वर्गीकरण है इसका, समय के आधार पर या प्रयोग के समय के आधार पर। तीसरा प्रयोग समय के आधार पर। देखो इसमें प्रयोग समय के आधार पर, इसमें देखो खरपतवार नाशियों को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। सबसे पहला बुआई पूर्व। कौन सा? बुआई पूर्व प्रयोग। बुआई पूर्व प्रयोग यानी कि ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग बुआई से पूर्व करते हैं। और ऐसा शाकनाशी कौन सा आपको पता है? कौन सा है? बेसालीन। कौन सा है? बेसालीन। बेसालीन का प्रयोग दलहन में तिलहन में करते हैं और हमेशा ही कब करते हैं? बुआई पूर्व। कब करते हैं? बुआई पूर्व। दूसरा आपका बुआई के बाद प्रयोग। बुआई के बाद प्रयोग, इसमें देखो बुआई के बाद प्रयोग वह अंकुरण पूर्व। वह अंकुरण पूर्व ये शाकनाशी, वे शाकनाशी जिनको जैसे फसल बुआई तो कर दी हमने लेकिन उसके अंकुरण पूर्व। और अंकुरण पूर्व भी कब है? फसल बुआई के 48 घंटे तक इनका छिड़काव कर देते हैं भाई। फसल बुआई के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर इनका छिड़काव कर देते हैं। अब देखो ये शाकनाशी कौन से हैं, जैसे कौन सा हो गया, एक तो सीमाजीन। कौन सा हो गया? सीमाजीन। एक हो गया एट्राजीन। कौन सा हो गया? एट्राजीन, सीमाजीन, एट्राजीन। एक आ गया आपका पेंटामेथालीन। कौन सा हो गया? पेंटामेथालीन। ये लो, ये शाकनाशी कौन से हो गए? बुआई के बाद अंकुरण पूर्व प्रयोग करते हैं, ये हो गए बुआई पूर्व प्रयोग। कौन सा हो गया? बेसालीन, फ्लुक्लोरीलीन। और तीसरा आता है आपका बुआई के बाद, बुआई के बाद प्रयोग। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, बुआई के बाद प्रयोग, इन शाकनाशियों का प्रयोग कब करते हैं? बुआई के 30 से 35 दिन बाद। ले बाई प्रयोग बुआई के 30 से 35 दिन बाद। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है तीन फसल आपके, कौन कौन सी? जो, गेहूं और जई। जो, गेहूं और जई, इन फसलों में हमेशा ये शाकनाशियों का प्रयोग कब करते हैं? 30 से 35 दिन बाद। अब देखो इनमें कौन से शाकनाशी हो गए? एक तो आपका आ गया कौन सा? 240। एक आ गया आपका आइसोप्रोटोरोन।
और देखो एक शाकनाशी हो रहा है भाई, जो आपको याद है तो आप बताना है आपको कि वो कौन सा शाकनाशी है। एक शाकनाशी है कौन सा, प्रोपेनिल। कौन सा शाकनाशी है, प्रोपेनिल। याद रखना प्रोपेनिल का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं, धान में। कौन सी फसल में करते हैं, धान में। और धान में इसका प्रयोग बुआई के बाद ही करते हैं। धान का एकमात्र शाकनाशी है प्रोपेनिल, जिसका प्रयोग बुआई के बाद में करते हैं। देखो प्रयोग के समय के आधार पर तीन भागों में बांट दिया। पहला है बुआई पूर्व प्रयोग, कौन सा आ गया, बेसालिन। कौन सा आ गया, बेसालिन, जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, दलहन और तिलहन में। दलहनी फसलों में और तिलहनी फसलों में। एक है बुआई के बाद प्रयोग, अंकुरण पूर्व। बुआई के बाद अंकुरण पूर्व कौन से शाकनाशी आ गए, सीमाजी, नाइट्राजीन, पेंटामेथालीन आदि। और एक है बुआई के बाद प्रयोग, ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग बुआई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। और जो गेहूं और जई में चाहे से कोई सा भी शाकनाशी हो, इनका सभी का प्रयोग कब करते हैं, 30 से 35 दिन बाद। किन में, जो गेहूं और जई की फसल में, जो गेहूं और जई की फसल में 2,4-D आइसोप्रोटोरोन, सल्फोसल्फ्यूरॉन, मैक्सल्फोसल्फ्यूरॉन। और एक शाकनाशी आपका प्रोपेनिल, जिसका प्रयोग कब करते हैं, धान में अंकुरण बाद या 7 से 8 दिन 10 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रयोग के समय के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो और भी इनके वर्गीकरण कई प्रकार के, जैसे मर्दा दूमक शाकनाशी, मर्दा सक्रिय शाकनाशी, पत्र सक्रिय शाकनाशी, पत्र सक्रिय शाकनाशी आदि अनेक है। तो इनकी डिटेल तो बाद में देंगे। एक सारणी है छोटी सी, जिससे आप वो पता रहे कि कौन सी फसल में कौन सा शाकनाशी देते हैं, कौन सी फसल में कौन सा शाकनाशी प्रयोग में करते हैं और कब करते हैं। देखो वो सारणी है आपकी, सबसे पहले छोटी सी सारणी है, यहाँ पर लिखो आप क्रम संख्या। यहाँ पर हो गई फसल, यहाँ पर हो गया शाकनाशी, शाकनाशी, और यहाँ पर आ गया आपका व्यापारिक नाम। व्यापारिक नाम किनका, शाकनाशियों का व्यापारिक नाम। और यहाँ पर आएगा प्रयोग का समय, प्रयोग का समय। देखो एक क्वेश्चन आप ज्यादा ही रटते हो भाई। देखो एक क्वेश्चन है शाकनाशियों की मात्रा, शाकनाशियों की मात्रा। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मात्रा में जितनी भी फसल है और जितने भी शाकनाशी उनकी मात्रा को आपको रखना नहीं है, आपको सीधी सी याद रखना है जितनी भी फसल है और जितने भी शाकनाशी उनकी मात्रा कितनी, 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर मात्रा, यही करनी है आपको चाहे से कोई सी फसल है। लेकिन दो शाकनाशी है, कौन कौन से, एक तो आपका मैट सल्फो सल्फ्यूरॉन और एक आपका सल्फो सल्फ्यूरॉन, सल्फो सल्फ्यूरॉन। देखो कोई सा भी शाकनाशी हो, चाहे से किसी भी फसल में कोई सा भी शाकनाशी हो, उसकी मात्रा कितनी काम में लेनी है, 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। अब मान लो आपको पूछ लिया कि मक्के में सीमाजीन का प्रयोग करना है, मक्के में सीमाजीन का प्रयोग करना है, तो उसकी मात्रा यही है भाई 1 से 1.5 kg। लेकिन दो शाकनाशी है आपके, कौन से दो शाकनाशी, एक तो मेट सल्फो सल्फ्यूरॉन और एक सल्फो सल्फ्यूरॉन। देखो इसकी मेट सल्फो सल्फ्यूरॉन की मात्रा काम में लेते हैं 4 से 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और सल्फो सल्फ्यूरॉन की मात्रा काम में लेते हैं 35 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये दो शाकनाशी है, मैंने आपको बताया था मैट सल्फो सल्फ्यूरॉन की मात्रा 4 से 6 ग्राम और सल्फो सल्फ्यूरॉन की मात्रा 35 से 40 ग्राम। कौन सी फसल में, गेहूं में। कौन सी फसल में, गेहूं में। और कोई सा भी शाकनाशी हो, उसकी मात्रा के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, उसकी मात्रा कितनी आएगी 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इन दो की याद रखनी है, मैट सल्फो सल्फ्यूरॉन 4 से 6 ग्राम, सल्फो सल्फ्यूरॉन 35 से 40 ग्राम। आपको कुछ किताबों में यहां से 4 से 8 ग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। अब देखो इस सारणी को, सबसे पहले क्रम संख्या 1, फसल का नाम आपकी धान। कौन सी फसल है, धान। ध्यान से देखना, पहली
कौन सी फसल है? धान। अब देखो धान में तीन शाकनाशी कहां मिले थे, कितने? तीन। सबसे पहला मैंने आपको बताया था प्रोपेनिल, कौन सा? प्रोपेनिल, धान का एकमात्र शाकनाशी, धान का एकमात्र शाकनाशी जिसका प्रयोग कब करते हैं हमें? बुआई के बाद। और धान में जितने भी शाकनाशी देंगे उनका प्रयोग हमेशा एक बुआई से पूर्व करेंगे। कौन सा शाकनाशी है? प्रोपेनिल। कौन सा शाकनाशी है? प्रोपेनिल। देखो धान, दूसरा शाकनाशी इसका है ब्यूटाक्लोर। कौन सा है? ब्यूटाक्लोर। मैंने बता दिया एकमात्र शाकनाशी जिसका प्रयोग का समय कब आएगा? बुआई के बाद। और कितने भी शाकनाशी हो उनका प्रयोग कब आएगा? बुआई से पूर्व। एक हो गया आपका प्रोपेनिल, एक हो गया आपका ब्यूटाक्लोर। अब देखो प्रोपेनिल स्टाम्प एफ 34, ये हो गया इसका व्यापारिक नाम। प्रोपेनिल व्यापारिक नाम क्या हो गया? स्टाम्प एफ 34। प्रयोग का समय पता आपको कौन सा आएगा? बुआई के बाद, बुआई के बाद। अब देखो दूसरा शाकनाशी ब्यूटाक्लोर, व्यापारिक नाम मचेटी। प्रयोग का समय बुआई पूर्व, बुआई पूर्व। प्रयोग का समय कब आ गया? बुआई पूर्व। ये दो ही ज्यादातर काम में लेते हैं, तो प्रोपेनिल ब्यूटाक्लोर जिसका व्यापारिक नाम क्या है? मचेटी। और कब काम में लेते हैं? बुआई पूर्व। ये पहली फसल हो गई आपकी धान। दूसरी देखो गेहूं, जो और जई। गेहूं, जो और जई। मैंने आपको बता दिया सबसे पहला शाकनाशी 2,4-D और किनको नेक्स्ट करता है भाई? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को। किनको? चौड़ी पत्ती वाले। अब देखो यहां से क्वेश्चन ऐसे कह देता है कि निम्न में से गेहूं की फसल में बथुआ का नियंत्रण किससे संभव है? अरे तो बथुआ कैसा है? मैंने बता दिया आपको पिछले वर्गीकरण में, क्या है? कैसा है? चौड़ी पत्ती वाला। तो चौड़ी पत्ती वाला है तो कौन सा आ गया? 2,4-D। कौन सा आ गया? 2,4-D। और इसका व्यापारिक नाम है प्लांट गार्ड। कौन सा है? प्लांट गार्ड। प्रयोग मैंने बता दिया गेहूं, जौ और जई में हमेशा ही शाकनाशियों का प्रयोग 30 से 35 दिन बाद। एक आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स में करके बताना है कि अगर 2,4-D का प्रयोग, 2,4-D का प्रयोग अधिक कर लेते हैं, जैसे करना चाहिए 1 से 1.5 kg और कर लिया हमने 2.5 से 3.5 kg, उसका आपको उत्तर देना है कमेंट्स बॉक्स में। अगर 2,4-D का फसलों में अधिक प्रयोग करते हैं तो क्या हानि होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब देखो गेहूं, जो जी पहला हो गया 2,4-D, व्यापारिक नाम प्लांट गार्ड, प्रयोग में 30 से 35 दिन बाद। ये पहला शाकनाशी। अब दूसरा शाकनाशी आइसोप्रोटोरोन। देखो भाई आइसोप्रोटोरोन ऐसा शाकनाशी जो गेहूं, जो और जई में कैसे इनको नष्ट करता है? सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार को, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार को। अब क्वेश्चन आ गया गेहूं की फसल में, किसमें? गेहूं, जो जई की फसल में या गेहूं की फसल में गेहूं सा को, किसको? गेहूं सा। गेहूं की फसल में गेहूं सा का नियंत्रण किससे संभव है? तो किससे आएगा? आइसोप्रोटोरोन से। क्यों भाई? क्यों? गेहूं सा कौन सा है? गेहूंसा कौन सा शाकनाशी है? सक्रिय पत्ती वाला। कौन सा है? सक्रिय पत्ती वाला। और सक्रिय पत्ती वाले के लिए आइसोप्रोटोरोन। अगर यहां पर आ जाए आपके बथुआ, कौन सा आ गया? बथुआ, तो क्या आएगा? 2,4-D। क्यों? क्यों कैसा है? चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। अब आइसोप्रोटोरोन व्यापारिक नाम रोनक। कौन सा हो गया? रोनक। प्रयोग का समय मैंने आपको बता दिया कौन सा आएगा? वही 30 से 35 दिन बाद। दो शाकनाशी हो रहे हैं, मैंने वहां पर लिख दिए, एक तो है मैट सल्फोसल्फ्यूरॉन और एक है सल्फोसल्फ्यूरॉन। सल्फोसल्फ्यूरॉन की मात्रा आएगी 35 से 40 ग्राम और मैट सल्फोसल्फ्यूरॉन की मात्रा आएगी 4 से 6 ग्राम। ये हो गया कौन सा? गेहूं, जो और जई के लिए 2,4-D, आइसोप्रोटोरोन, मैट सल्फोसल्फ्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है जिसका जवाब आपको देना है। तीसरा है C4 प्लांट। बता दिया मैंने कौन कौन से है C4 प्लांट। पहला मक्का, दूसरा बाजरा, तीसरा गन्ना और चौथा ज्वार। 4 C4 प्लांट है, मक्का, बाजरा, गन्ना और ज्वार।
चारों के लिए कौन से शाकनाशी है? सीमाजीन, और एक आएगा आपका एट्राजीन। सीमाजीन और एट्राजीन याद रखना है, सी फोर प्लांट के लिए शाकनाशी कौन से हैं? सीमाजीन और एट्राजीन। कौन से हैं? सीमाजीन और एट्राजीन। गन्ने में तो एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहां से तो ये शाकनाशी तो ये हो गया, और इसका बीज उपचार करते हैं किससे? एग्लोल और एरिटोन, ये पपोनाशी है। ये तो शाकनाशी हो गए, सीमाजीन और एट्राजीन, और गन्ने की फसल में बीज उपचार किससे करते हैं? एग्लोल और एरिटोन। अब देखो सी फोर प्लांट, मक्का, बाजरा, गन्ना और ज्वार। सी फोर प्लांट का परजीवी खरपतवार कौन सा है? स्ट्राइगा। कौन सा है? स्ट्राइगा। सीमाजीन और एट्राजीन, अब देखो इनके व्यापारिक नाम, देखो इसका व्यापारिक नाम होता है सीनेमैक्स। कौन सा होता है? सीनेमैक्स। और इसका होता है एट्राट्राफ। एट्राट्राफ देखो दोनों शाकनाशी किसमें प्रयोग में लेते हैं? सी फोर प्लांट में, मक्का, बाजरा, गन्ना और ज्वार। सीमाजीन और एट्राजीन, सीनेमैक्स या एट्राट्राफ। एट्राट्राफ देखो यहां पर इनका प्रयोग कब करते हैं? इनका प्रयोग ध्यान रखना, इनका प्रयोग करते हैं बुआई के बाद व अंकुरण पूर्व। बुआई बाद व अंकुरण पूर्व कौन से शाकनाशी का? सी फोर प्लांट में जो शाकनाशी काम में लेते हैं सीमाजीन और एट्राजीन। इनके व्यापारिक नाम सीनेमैक्स और एट्रेट्राफ। इनका प्रयोग करते हैं बुआई के बाद व अंकुरण पूर्व। अब मैंने बताया था बुआई के कितनी देर बाद? 48 घंटे बाद। कितनी देर बाद? 48 घंटे बाद इनका प्रयोग करते हैं सीमाजीन व एट्राजीन का। क्रम संख्या एक बार दोबारा देख लो, धान प्रोपेनिल, व्यापारिक नाम स्टाम्प है। चौथी धान का एकमात्र शाकनाशी जिसका प्रयोग कब करते हैं? बुआई के बाद। ब्यूटाक्लोर मचेटी, ब्यूटाक्लोर मचेटी प्रयोग कब करते हैं? बुआई पूर्व। कब करते हैं? बुआई पूर्व। एक और इसका विशेष शाकनाशी अगर आपको याद रख लेना, बैंक्योकार्प जिसको व्यापारिक नाम होता है स्टार, उसका प्रयोग भी कब करते हैं? बुआई पूर्व। कौन सा शाकनाशी? बैंक्योकार्प, व्यापारिक नाम होता है स्टार। एक है गेहूं, जौ और जई। इनमें देखो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D, व्यापारिक नाम प्लांट गार्ड, और प्रयोग का समय 30 से 35 दिन बाद। गेहूं, जौ, जई में हमेशा ही प्रयोग कब करते हैं? 30 से 35 दिन बाद। अब एक आता है आइसोप्रोटोनोन, सक्रिय पत्ती वाले, व्यापारिक नाम रोनक, और प्रयोग का समय वही आएगा 30 से 35 दिन बाद। गेहूं की फसल में दो शाकनाशी काम में हो लेते हैं, एक तो मह सल्पो सल्पुरान और एक सल्पो सल्पुरान। सल्पो सल्पुरान की मात्रा 35 से 40 ग्राम और मह सल्पो सल्पुरान की 4 से 6 ग्राम। ठीक है, आगे है तीसरे सी फोर प्लांट, मक्का, बाजरा, गन्ना और ज्वार। सीमाजीन और एट्राजीन, बुआई के बाद व अंकुरण पूर्व। ये चल रहा था इनका शाकनाशी कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फसलों में। अब देखो आगे दो तीन फसल और है, उनको भी याद रख लेना। जैसे मान लो अब इनमें अलग अलग नहीं देनी, आप ऐसे लिख लेना सीता साग की दलहन और तिलहन, दलहन और तिलहन। देखो आगे अगली फसल आपकी 4 नंबर, दलहन व तिलहन। सभी आ गई, सभी दलहन फसल मूंग, मोठ, सभी और सभी तिलहन सरसों। ठीक है, सूरजमुखी, सरसों आदि सभी तिलहन सरसों सब। दलहन व तिलहन, दलहन व तिलहन में शाकनाशी काम में लेते हैं कौन सा? एक तो देखो दलहन में काम में लेते हैं सर्वाधिक कौन सा? फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन। और एक काम में लेते हैं पेंडामेथालिन। कौन सा? पेंडामेथालिन। देखो ये दो शाकनाशी, ये दो शाकनाशी दलहन व तिलहन दोनों में काम में ले सकते हैं। फ्लूक्लोरेलिन का व्यापारिक नाम है बेसालिन। कौन सा है? बेसालिन। पेंडामेथालिन का व्यापारिक नाम कौन सा है? पेंडामेथालिन का व्यापारिक नाम इस्टाम। याद रखना, यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पेंडामेथालिन का आएगा इस्टाम और प्रोपेनिल का आएगा स्टाम्प एप 34। फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन, इसका प्रयोग का समय आपको मैंने पहले बताया था, एकमात्र शाकनाशी जिसका प्रयोग कब करते हैं? बुआई पूर्व। कब करते हैं? बुआई पूर्व।
और एक शाकनाशी तिलन में काम में लेते हैं कौन सा? पेंडामेथालिन, व्यापारिक नाम होता है स्टाम्प, और इसका प्रयोग का समय बुआई बाद व अंकुरण पूर्व। बुआई बाद व अंकुरण पूर्व, समझे? दो शाकनाशी फ्लुक्लोरलीन, इसको व्यापारिक नाम है बेसालीन, और एक है पेंडामेथालिन, व्यापारिक नाम है स्टाम्प। स्टाम्प H34 प्रोपेनिल का, स्टाम्प H34 किसका है? प्रोपेनिल का। प्रयोग का समय बुआई पूर्व, और इसका आएगा बुआई के बाद अंकुरण पूर्व। आपके पास अगर बेसालीन उपलब्ध है तो आप इसको दलहन में भी दे सकते हो और तिलहन में भी दे सकते हो, और अगर पेंडामेथालिन या स्टाम्प उपलब्ध है तो आप इसको दलहन में भी दे सकते हो और तिलहन में भी दे सकते हो। वैसे दलहन में सबसे ज्यादा काम लेते हैं बेसालीन, और तिलहन में काम लेते हैं पेंडामेथालिन। ठीक है, अब देखो आगे आगे, जैसे ये तो अभी सभी दलहन और सभी तिलहन आ गए आपके। अब देखो आगे है आपको मान लो मूंगफली, कौन सी फसल है? मूंगफली। अब मूंगफली की फसल में दो शाकनाशी ये हो गए फ्लुक्लोरलीन और पेंडामेथालिन, दो तो ये हो चुके हैं, इनमें से कोई सा भी आप दे सकते हो। एक है आपका ये कौन सा? नाइट्रोफेन। कौन सा है? नाइट्रोफेन। इसका व्यापारिक नाम क्या होगा भाई? TOC E25। तो ये 25 प्रयोग का समय यही आएगा बुआई के बाद में अंकुरण पूर्व। बुआई के बाद में अंकुरण से पूर्व मूंगफली की फसल में अगर आपको शाकनाशी पूछे तो ये भी आएंगे और ये तीनों आ सकते हैं। समझ गए क्या? समझ गए? या तो बेसालीन, स्टाम्प या नाइट्रोफेन। ठीक है, अब देखो अगली फसल आपकी कौन सी? सोयाबीन। कौन सी है? सोयाबीन। सोयाबीन की फसल में अब दलहन है, सोयाबीन कौन सी फसल है? दलहन। एक तो कौन सा हो गया? बेसालीन। कौन सा हो गया? बेसालीन। एक काम भी लेते हैं इसमें कौन सा? मैट्रीब्यूजीन। मैट्रीब्यूजीन सोया शाकनाशी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोया शाकनाशी। सोया शाकनाशी किसको? मैट्रीब्यूजीन, जिसका व्यापारिक नाम है सिनकोर। कौन सा है? सिनकोर। मैट्रीब्यूजीन या सिनकोर। ठीक है, सोयाबीन, मैट्रीब्यूजीन, सोया शाकनाशी, सिनकोर। प्रयोग का समय यही आएगा बुआई बाद व अंकुरण से पूर्व। कौन सी फसल में? सोयाबीन में। दलहन की फसल है इसलिए क्या काम में ले सकते हैं? बेसालीन व स्टाम्प और सिनकोर। ठीक है, अगली फसल आपकी कौन सी? कपास। कौन सी है? कपास। कपास का शाकनाशी है ड्यूरोन। ड्यूरोन व्यापारिक नाम कोरमैक्स। कौन सा आएगा? कोरमैक्स। और प्रयोग का समय बुआई बाद व अंकुरण पूर्व। बुआई के बाद व अंकुरण पूर्व यह आ गया किसमें? कपास में। ये है आपके मैनमैन खरपतवार नाशी, इनका व्यापारिक नाम आपको याद रखना है। और 2,4-D का आपको प्रयोग का समय कितना? 2 से 3 सप्ताह। मरदामी प्रभाव किसका? 2,4-D का कितने दिन रहता है? 2 से 3 सप्ताह। ठीक है, और सर्वाधिक अगर प्रभाव पहुंचता है तो वो आएगा एट्राजिन और सीमाजिन का। ठीक है, यह आपके हो गए खरपतवार, खरपतवार नाशी और खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण और किन किन फसलों में कौन कौन से शाकनाशी कब कब देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।